नमस्कार, मैं हूँ किरण और ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चक्कर आने पर घरेलू उपाय। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि चक्कर आना किसे कहते हैं। कुछ देर बैठे रहने के बाद जब उठते हैं तो चक्कर आने लगते हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, सिर घूमने लगता है। चक्कर आने को अक्सर एक कमजोरी भी माना जाता है। चक्कर आने के कई सारे कारण हैं, जैसे कान में संक्रमण होना, माइग्रेन, आंखों की समस्या, सिर की ताज़ा चोट, या फिर चक्कर आने का एक मुख्य कारण है दिमाग में खून की पूर्ति की कमी हो जाना। तो आइए जानते हैं चक्कर आने से बचने के कुछ घरेलू उपाय। पहला उपाय है अदरक। लगभग 20 ग्राम अदरक को बारीक काटकर पानी में उबाल लीजिए और पानी आधा रह जाए तब तक उसे उबाल लीजिए, छानकर इसे पी जाइए, या फिर आप अदरक का रस भी पी सकते हैं। सब्जी बनाने में भी अदरक का भरपूर उपयोग करें, चाय बनाने में अदरक का प्रयोग करें। अदरक आप किसी भी तरह खाकर चक्कर आने के रोग में आपको मदद करवा सकते हैं। दूसरा उपाय है आंवला। सूखा आंवला पीसकर 10 ग्राम आंवला चूर्ण और 10 ग्राम धनिया 1 कप पानी में डालकर रात भर के लिए रख दें और सुबह उठने के बाद इसे छानकर पी लें। रोजाना नियमित रूप से ऐसा करने से आपको चक्कर आना बंद हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, आप ज़रूर इसे एक बार आजमा के देखें। अगला उपाय इस प्रकार है, 10 ग्राम गेहूं, 5 ग्राम पोस्त दाना, 7 बादाम और 7 कद्दू के बीज लेकर थोड़े से पानी के साथ इनका पेस्ट बना लीजिए। अब कढ़ाई में थोड़ा सा गाय का घी गरम कर ले और इसमें 2 से 3 लौंग पीसकर डाले। अब आपने जो बनाया हुआ है पेस्ट उसे डालकर धीमी आंच पे पकाएं और बाद में इस मिश्रण को 1 गिलास दूध में डालकर पीजिए। जब भी आपको चक्कर आए आप इस नुस्खे को आजमाएं, आपको काफ़ी आराम होगा। शरीर में पानी की कमी होना भी चक्कर आने का एक मुख्य कारण है। ज़्यादातर पानी की कमी तब होती है जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी न पीते हो या व्यायाम होने के बाद पानी की कमी पूरी नहीं कर पाते हो। इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना आवश्यक है और अगर बहुत ज़्यादा पानी पीना आपके लिए मुश्किल है तो आप दूसरे ड्रिंक्स का सेवन भी कर सकते हैं, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स, थोड़ी सी चीनी के साथ चाय, सूप या फिर फलों का जूस। इससे आपको चक्कर आने की जो परेशानी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पानी भरपूर मात्रा में पिए और अपने शरीर में पानी की मात्रा कम ना होने दें। उसके बाद हम देखेंगे नारियल का पानी। रोज पीने से भी चक्कर आना बंद हो जाता है। या फिर तुलसी के 20 पत्ते पीसकर उसमें शहद मिलाकर खाने से भी चक्कर आने की समस्या काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहती है। ये दोनों उपाय काफ़ी ही आसान हैं और अच्छे हैं, तो एक बार इन दोनों उपायों को ज़रूर आजमा के देखें। तरबूज भी चक्कर आने से बचाने के लिए एक रामबाण उपाय है। तरबूज के बीजों की जो गिरी और खसखस दोनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और रोज़ सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ सेवन करें। यह प्रयोग केवल 1 महीने तक जारी रखें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपका चक्कर आना कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर ज़्यादा वीडियो गेम खेलने से चक्कर आ रही है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से चक्कर आने की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। सो अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित रूप से रोज़ाना करें। 1 कप गर्म पानी में नींबू का रस डालकर पीने से भी चक्कर आने से राहत मिलती है और प्याज के रस को सूंघने से भी चक्कर आना ठीक हो जाता है। तो अगर किसी को चक्कर आ जाती है तो आप उसे प्याज का रस सूंघा के उठा सकते हैं। तो ये थे घरेलू उपाय चक्कर ना आने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।